Hello dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the reproductive strategies. आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज. और रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं. और ये अडेप्टेशंस क्यों अप्लाई की जाती हैं? ताकि जो भी फर्टिलाइजेशन या सर्वाइवल रेट है ऑफस्प्रिंग का, उसको इंक्रीज किया जा सके. तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि उनकी ऑफस्प्रिंग जो है उनको इंक्रीज किया जा सके. सो लेट्स बिगिन. जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख ही रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये डिपेंड करेगा कि जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इस जैसे कि एसेक्सुअल मोड या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. अगर मैं जेंडर सिस्टम की बात करूं, तो जेंडर सिस्टम में जैसे कि आपको पता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिसमें कि मेल और फीमेल कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट, अब हर्माफ्रोडाइट में क्या है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे. जैसे कि अर्थवॉर्म की अगर हम बात करते हैं या नैरीज की हम बात करते हैं, लीच की हम बात करते हैं, तो ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं. इसी तरह से पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें कि अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्ट इंडिविजुअल में डेवलप होता है. सिमिलरली अगर मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और मेटिंग सिस्टम की बात करें तो मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड प्रोमिस्क्यूटी, ये इसमें आते हैं. जैसे कि मोनोगैमी में सिंगल पेयर मेटिंग होगी, पॉलीगैमी में मल्टीपल मेटिंग विद इंडिविजुअल्स होती है, और प्रोमिस्क्यूटी में मल्टीपल मेल या मल्टीपल फीमेल में क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है. इसी तरह से अगर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात करें तो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन आएगा. प्लेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो इसमें आता है ओवीपैरिटी एंड वीवीपैरिटी. ओवीपैरिटी मतलब कि एग लेइंग, और वीवीपैरिटी का मतलब आप सबको पता है कि गिविंग बर्थ टू द यंग वन. इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंटल केयर इनटू द ऑफस्प्रिंग की बात करें तो डिपेंड करेगा कि जो भी पेरेंटल केयर है क्या वो निल है, क्या वो केयर दैट इज टेकन बाय वन और बोथ पेरेंट्स, और केयर बाय द एक्सटेंडेड फैमिली. तो देखिए ये जो स्लाइड आपको बताया जा रहा है, इस स्लाइड में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जेंडर सिस्टम, मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, देन मेटिंग सिस्टम, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड द प्लेस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंटल केयर इनटू द ऑफस्प्रिंग. फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जैसा कि हम सबको पता है कि मान लीजिए ये हमारे पास पेरेंटल सेल है. अब इस पेरेंटल सेल में माइटोसिस हुआ, जो भी डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होगी, एंड दिस न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर न्यूक्लियाई. तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में विदाउट द इन्वॉल्वमेंट और विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन जो है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में नहीं होगा. सो इट इज मोनोपेरेंटल, मोनोपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. और जो भी ऑफस्प्रिंग है उनमें 100% क्रोमोसोम पेरेंटल क्रोमोसोम्स के सिमिलर पाए जाएंगे. हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जो भी प्रोजेनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हैं, दे आर एक्चुअली द क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स. और इसमें इन्वॉल्व होती है माइटोसिस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें देखा जाता है. अब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि बाइनरी फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, और साथ में पार्थिनोजेनेसिस, ये सब फिनोमेना जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे फिजन. अब फिजन, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, फिजन में जो भी पेरेंटल बॉडी है ये पेरेंटल बॉडी डिवाइड करती है टू और मोर सिमिलर एंड इक्वल साइज्ड डॉटर. जो भी पेरेंटल बॉडी है वो डिवाइड करेगी दो या दो से ज़्यादा सिमिलर या फिर इक्वल साइज डॉटर में. अब फिजन
बाइनरी फ्यूजन भी हो सकता है, मल्टीपल फ्यूजन भी हो सकता है और प्लाज्मोटॉमी भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम बाइनरी फ्यूजन की बात करें, नाम से क्लियर हो रहा है बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंटल बॉडी है वो एक्चुअल में टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी और ईच हाफ हैव द कैपेबिलिटी कि ये एक डॉटर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब बाइनरी फ्यूजन में भी जैसे कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है जिसमें कि अमीबा की हम बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना और साथ में वॉर्टिसला में, ऑब्लीक बाइनरी फ्यूजन सिरेशियम एंड गोनीलेक्स में, और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, पैरा मिशियम में देखा जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर मैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन की बात करूं तो आप देख रहे हैं पैरा, आप देख रहे हैं अमीबा। अमीबा के केस में दिस इज सिंगल पेरेंटल बॉडी और इसमें ए माइटोसिस होता है और आप देख रहे हैं कि इन्वेजिनेशन फॉरो की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में दो डॉटर सेल्स या दो डॉटर अमीबाए उनका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। इसी तरह से अगर हम पैरामिशन की बात कर रहे हैं तो पैरामिशन में आप देख रहे हैं कि जो भी डिवीज़न है वो एक्चुअल में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो है वो देखा जा रहा है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इन्वेजिनेशन फॉरो बन रही है, जो भी न्यूक्लियस हैं उन वो इलोंगेट हो रहे हैं एंड फाइनली दो डॉटर सेल्स में ये न्यूक्लियस का कंटेंट जो है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर युगलिना की बात करते हैं तो युगलिना के केस में डिवीजन या बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूडनल देखा जाता है। तो सिंपल इन केस ऑफ अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इन केस ऑफ पैरामिशियम एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन इन केस ऑफ युगलिना। इसी तरह से मल्टीपल फ्यूजन की बात करेंगे। अब मल्टीपल फ्यूजन में जो भी नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी सिंगल पेरेंट से, उनका नंबर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि प्लाज्मोडियम अमीबा एंड मोनोसिस्टिस, तो प्लाज्मोडियम अमीबा एंड मोनोसिस्टिस में मल्टीपल फ्यूजन जो है वो देखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में कि हमारे पास जैसे कि सिस्ट वॉल है और इस सिस्ट वॉल के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ये आपको स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब एक्चुअली में दिस इज अगेन सिस्ट वॉल और इसके अंदर क्या है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स हैं। जैसे ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स आप देख रहे हैं, ये अगर डीजेनरेटिंग अमीबा है तो इसमें आपको ये क्या नज़र आ रहे हैं, स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन दे आर मल्टीपल। अब ये जो स्पोर हैं जैसे ये रप्चर करेगा तो न्यू अमीबा जो है वो हमारे पास तैयार हो जाता है। सो दिस इज मल्टीपल फ्यूजन जो कि प्लाज्मोडियम अमीबा और मोनोसिस्टिस में देखा जाता है। बडिंग, अब बडिंग जैसा कि ईस्ट जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस है, तो ईस्ट के केस में एक्चुअल में क्या होता है, जो भी हमारा ईस्ट है उसमें आपको स्मॉल बड नज़र आएगी और ये जो स्मॉल बर्ड आपको नज़र आती है इसमें न्यूक्लियस का कुछ पार्ट जो है क्या होगा, इसमें एंटर करेगा। जैसे ये बर्ड कंप्लीट होती है तो इस बर्ड में स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है वो इस डॉटर सेल में देखा जा रहा है। अब ये बर्ड जो है ये कंप्लीट होगी और कंप्लीट होने के बाद जर्मिनेट होती है जिससे कि न्यू ईस्ट जो है वो हमारे पास पाया जाएगा। अब एक्चुअल में अब यहाँ पर तो जो बर्ड आपको नज़र आ रही है तो सिंपल सिंगल एक बर्ड नज़र आ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो भी हमारा ईस्ट है उस ईस्ट में अगर मैं बात करूँ तो आपको मल्टीपल बडेड कंडीशन नज़र आती है और इस मल्टीपल बडेड कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, टॉरुला स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लीट करें कि जो भी कॉम्प्लेक्स बडेड स्टेज है उस कॉम्प्लेक्स बडेड स्टेज को आप क्या बोलते हैं, आप इसको बोलेंगे टॉरुला स्टेज बोलेंगे। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन, अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग, जो भी पेरेंटल बॉडी है वो दो या दो से ज़्यादा पीसेस में ब्रेक करती है जिसमें कि हर एक पार्ट हर एक पीस में
इतना कैपेबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट पार्ट का या प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। अब फ्रेगमेंटेशन नेचुरल डेथ और डीके की वजह से हो सकती है, जो भी ओल्डर पार्ट्स हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मार्केशिया, रिक्शिया एंड इन केस ऑफ द ब्रायोफाइट्स फ्रेगमेंटेशन जो है वो देखी जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में स्टारफिश और प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैगबॉम है इसमें देख रहे हैं, तो स्टारफिश के केस में फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस देखा जाता है, और प्लेनेरिया के केस में भी आप देख रहे हैं कि जो पेरेंटल बॉडी है वो एक्चुअल में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और इन फ्रेगमेंट से, हर एक फ्रेगमेंट से न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन जो है वो देखा जा रहा है। इसी तरह से रीजनरेशन की हम बात करेंगे। अब अगर रीजनरेशन की मैं बात करूं, सो इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात कि जो रीजनरेशन का फिनोमेना है, ये फिनोमेना एक्चुअल में रिपेयर मैकेनिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी मिसिंग पार्ट हो तो उस मिसिंग पार्ट को अगर रिपेयर करना है तो वहाँ पर रीजनरेशन करवाई जाएगी। पॉइंट टू बी रिमेंबर कि रिपेयरिंग ऑफ द मिसिंग पार्ट, रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर आएगा। जैसे कि हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, या फिर हमारे स्पॉन्जेस हैं, इनमें रीजनरेशन होती है। जैसे मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर ये लोअर ऑर्गेनिज्म में हो तो आप इस फेनोमेना को मॉर्फोलैक्सिस बोलते हैं, और अगर ये हायर फॉर्म में हो, हायर प्लांट्स में हो, तो आप इसको क्या बोलते हैं, एपिमॉर्फोलैक्सिस बोलते हैं। मतलब अगर मैं नॉर्मल सा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो मॉर्फोलैक्सिस में एक्चुअल में क्या होगा कि जो भी पार्ट्स, जो भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, हर एक फ्रेगमेंट में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट या होल ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होगा हर एक फ्रेगमेंट से। लेकिन अगर हायर फॉर्म या प्लांट्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो डैमेज्ड पार्ट है, वो डैमेज्ड पार्ट जो है उसी की क्या होती है, रिपेयर होती है। जैसा कि आपने देखा होगा प्लांट्स के अगर आप ब्रांचेस को काट दें तो ब्रांचेस को काटने के बाद भाई पूरा प्लांट नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ जिस ब्रांच, जो ब्रांच हमने रिमूव करी होती है उसी ब्रांच की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है। सो दैट इज एपिमॉर्फोलैक्सिस। तो प्लीज इसको थोड़ा सा कंफर्म करना है कि मॉर्फोलैक्सिस लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा और हर एक पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, और एपिमॉर्फोलैक्सिस जो है वो हायर प्लांट्स में देखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टारफिश देख रहे हैं तो स्टारफिश हैव अ गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की, तो जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस मैंने बताया ही आपको, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग है विदाउट फ्यूजन डेवलप होगा डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जिसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस जैसे कि हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस या डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस जो है वो देखी जाती है। हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस नाम से क्लियर हो रहा है, हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में जो भी एम्ब्रियो सैक के इसके पार्ट्स होंगे सारे के सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। लेकिन डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में जो भी एम्ब्रियो सैक है या एग है, स्ट्रक्चर्स कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। ठीक है जी, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक और इसके पार्ट्स हैप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक और उसके पार्ट्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं एप्पल के लिए, तो एप्पल जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो देखी जाती है, एंड इसमें डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। इसी तरह से अब एसेक्सुअल मोड के बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा भाई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स एज वेल एज फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, और जो भी जाइगॉट बनेगा वो जाइगॉट की प्लॉयडी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिनजेनेसिस, एम्फीमिक्सिस या एम्फीगोनी भी बोलते हैं। स्लाइटली अगर डिफरेंस देखा जाए एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो जैसा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जेनेटिकल यूनिफॉर्मिटी जो है वो देखी जाती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग है दैट इज द एडमिक्सचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स, तो वेरिएबिलिटी जो है, वेरिएशंस जो है वो देखी जाएंगी।
जो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी है उसको हम कलोन बोलते हैं, लेकिन सेक्सुअल में जो प्रोजेनी बनती है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी, पेरेंट से डिफरेंट होती है रिकॉम्बिनेशन की वजह से। एसेक्सुअल मोड मोनोपेरेंटल है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाईपेरेंटल है। जो भी डॉटर्स की फॉर्मेशन होगी दैट इज द स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, मतलब कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि गैमेट्स होते नहीं हैं, लेकिन गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो भाई गैमेट्स भी होंगे और गैमेट्स का फ्यूजन भी देखा जाएगा। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो एनवायरनमेंट में अडेप्टेबिलिटी है दैट इज लिटल, लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगी प्रोजेनी दे आर वेल अडेप्टेड टू पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस। और जो भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट्स अ क्विकर मेथड ऑफ डेवलपमेंट, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इट्स अ स्लोअर प्रोसेस। सो दीज आर द स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। इसी तरह से अब डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, उस बिहाफ पर कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अप्लाई की जाएंगी। जैसा कि अगर हम बात करें जो भी डेवलपिंग एग्स हैं, ये डिपेंड करता है कि ये जो एग हैं दे रिमेन इनसाइड द फीमेल या फिर दे आर लेड। यंग डेवलप विद डिफरिंग अमाउंट ऑफ द पेरेंटल केयर। तो देखते हैं किस तरह से ये एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज में अप्लाई की जाती है। जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो भी गैमेट्स हैं वो वाटर बॉडी में रिलीज कर दिए जाते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी से निकाल कर वाटर बॉडी में रिलीज किए जाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी से बाहर देखी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं जो भी हमारे ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं, उन ग्रेट बैरियर रीफ्स में जो कॉरल स्पैन है उसमें 5 to 6 days जो हैं वो देखे जाते हैं आफ्टर द फुल मून इन द अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज। तो सिंपल सी बात कि ग्रेट बैरियर रीफ कॉरल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखी जाती है। ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि जो भी इसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन है दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि भाई सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो क्या होते हैं इसमें रेयर होते हैं। इसी तरह से अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो हायर एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखी जाती है। अब एक्चुअल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, जो भी मेल के स्पर्म्स हैं वो फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और जो भी फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी में देखी जाती है, जिससे कि जो भी ऑफस्प्रिंग होंगी उनके सर्वाइवल चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात कि देर इज लेस नीड ऑफ द स्पर्म इन केस ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जैसे कि जो भी मैमल्स हैं उनमें जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पेनिस जो है उसका यूज़ किया जाता है, बर्ड्स में अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्लोएका, शार्क में अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो मॉडिफाइड फिन का यूज़ किया जाता है, दे आर द क्लैस्पर्स। सो डिफरेंट मीन्स जो है वो वेरी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जो कॉपलेट्री ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किया जाएगा। जैसा कि आप ये डायग्राम देख ही रहे हैं पेंगुइन के केस में या टॉर्टोइस के केस में या फिर कैमेलियन के केस में या फिर एलिफेंट के केस में। इसी तरह से नेक्स्ट मैं बात करूँगी आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज के लिए। तो देखिए आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीशीज, आर सेलेक्टेड स्पीशीज में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होते हैं और के सेलेक्टेड स्पीशीज में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या रहेंगी, कम रहेंगी। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन आर एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज। जैसे कि आप यहाँ पर एक तरफ ऑक्टोपस एग देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको हम पैक व्हेल जो है वो नज़र आ रही है, दिस इज आर सेलेक्टेड और यहाँ पे के सेलेक्टेड। तो देखिए जो आर सिलेक्शन है इट्स अ क्विक एंड मैनी स्ट्रैटजीज,
और जो भी के सेलेक्टर स्पीसीज होती हैं दे आर द स्लोअर एंड इट्स अ फ्यूअर स्ट्रैटेजी. जो भी आर सेलेक्टेड स्पीशीज हैं दे रीच द सेक्शुअल मेच्योरिटी क्विकली, लेकिन जो के सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं दे मेच्योर स्लोली. जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होगी, जबकि के सेलेक्टेड स्पीशीज में फ्यूअर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन लार्ज ऑफस्प्रिंग जो साइज जो है वो बड़ा होगा. हाँ, नंबर जो है वो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का कम होगा. जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज है उसमें पेरेंटल केयर या तो बहुत कम होगी या फिर एब्सेंट होगी, लेकिन जो के सेलेक्टेड स्पीशीज हैं उनमें पेरेंटल केयर जो है वो एक्सटेंसिव देखी जाती है, ज़्यादा देखी जाती है. आर सेलेक्टेड स्पीशीज में फिकंडिडिटी रेट मीन्स रिप्रोडक्शन रेट, ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन का रेट ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारे के सेलेक्टेड स्पीशीज हैं उन के सेलेक्टेड स्पीशीज में जो लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा. आर सेलेक्टेड स्पीशीज का लाइफ स्पैन कम होता है. मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज में डेथ रेट ज़्यादा होगा और के सेलेक्टेड स्पीशीज में जो गेस्टेशन पीरियड है वो ज़्यादा होता है और डेथ रेट स्लाइटली कम होता है. सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना है आपने आर और के सेलेक्टेड स्पीशीज का. जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसी हैं, वो हमारी के सेलेक्टेड स्पीशीज का एग्जाम्पल है. अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें. जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बताया था ओविपेरिटी एंड बीविपेरिटी. ओविपेरिटी का मतलब होता है एग लेइंग एंड बीविपेरिटी का मतलब होता है जो भी यंग वंस हैं उनका प्रोडक्शन होगा. तो ओविपेरिटी में क्या है, एग्स आर रिलीज्ड बाय द मदर सो दैट एम्ब्रियो डेवलप आउटसाइड द मदर बॉडी. ओविपेरिटी में एग को रिलीज करते हैं और जो भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो मदर बॉडी के बाहर देखी जाती है, लेकिन विविपेरिटी में मिनिएचर फॉर्म में लाइव फॉर्म में जो यंग वंस हैं वो मदर प्रोड्यूस करती हैं. जो भी अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं ओविपेरिटी के केस में एम्ब्रियो को, वो कहाँ से आते हैं, एग योग से आते हैं. जितना ज़्यादा योग होगा उतना बड़ा यंग वन जो है वो प्रोड्यूस होगा. लेकिन जो विविपेरिटी है इसमें क्या होता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ द सर्वाइवल एज द एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड विद इन द मदर. सर्वाइवल चांसेस ऑब्वियसली विविपेरिटी में ज़्यादा होंगे और ओविपेरिटी में सर्वाइवल चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर ओविपेरिटी में बात करें तो लार्ज साइज एग का होगा, लेस एग प्रोड्यूस होंगे और लॉन्गर पीरियड्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि अगर एग का साइज छोटा है तो एग का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और अगर ज़्यादा हुआ तो लेसर पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. और ओविपेरिटी में जो भी एग्स हैं वो प्रेडेटर जो है उनको क्या करते हैं, ज़्यादा टारगेट करते हैं. इसी तरह से विविपेरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केयर और सर्वाइवल रेट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. अब थ्री टाइप्स की विविपेरिटी में देखिए, जैसे कि एग योग विविपेरिटी, पलंस प्लेसेंटल विविपेरिटी एंड बाकी रिसोर्सेज की बात करें तो एग योग विविपेरिटी में क्या होगा, एग रिटेन्ड इनसाइड द मदर, मदर की बॉडी में ही एग रहता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ शार्क. प्लेसेंटल विविपेरिटी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो फीटस में ट्रांसफर होंगे, जैसे कि मैमल्स के केस में. और अगर अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जैसे कि शार्क प्लेसेंटा है या अनफर्टिलाइज्ड एग है या यूट्राइन मिल्क है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन. तो आप इस स्लाइड से इतना तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ओविपेरिटी में एग का प्रोडक्शन होगा और विविपेरिटी में जो भी यंग वंस हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो देखी जाती है. तो ये भी एक स्ट्रैटेजीज है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, और डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी पार्टनर्स दे आर इन्वॉल्व, कितने पार्टनर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. जैसे कि मोनोगैमी, पॉलीगाइनेंट्री, पॉलीगाइनी एंड पॉली एंट्री. मोनोगाइनी मतलब कि वन पार्टनर ओनली, पॉलीगाइनेंट्री मतलब कि मल्टीपल पार्टनर्स. पॉलीगाइनी का मतलब होता है एक मेल होगा
और फीमेल्स ज़्यादा होंगी। और पॉलीएंड्री का मतलब है एक फीमेल होगी लेकिन यहाँ पर मेल्स ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि मोनोगैमी, मोनोगैमी में जैसा कि हमने बताया आपको कि वन मेल एंड वन फीमेल, तो इसमें वन मेल होगा और वन मेल होगा और साथ में वन फीमेल जो है वो देखी जाती है। इसी तरह से दोनों के दोनों पेरेंट्स लुक वाइज अगर आप देखें, जैसा कि आपने डेफिनेटली बर्ड्स के केस में देखा ही होगा कि दोनों के दोनों पार्टनर जो है वो लुक वाइज कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और दोनों पार्टनर ऑफस्प्रिंग की केयर जो है वो परफॉर्म करते हैं। इट इज़ नॉट कॉमन इन केस ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स में ज़्यादा होती है। बायोलॉजिकली ऑल एग्स इन वन बास्केट, पेयरिंग में भी इधर ओनली फॉर अ सीजन और फॉर लाइफ लॉन्ग। एंड इट यूजली अकर वेयर द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अ मेट इज़ वेरी हाई। तो जैसा कि आपने स्वैन देखे हैं या हंसों का जोड़ा देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, दे आर मोनोगैमस, एक मेल और साथ में एक ही क्या होगी इसमें, फीमेल होगी। पॉलीगैनेंड्री, अब पॉलीगैनेंड्री में आप क्या देख रहे हैं कि जो फीमेल होती हैं दे मेट विद सेफरल मेल्स, जो फीमेल्स हैं वो एक से ज़्यादा मेल के साथ क्या करेंगी, कॉपुलेशन करेंगी या रिप्रोडक्शन करेंगी। जैसे कि जो फीमेल चिंपैंजी हैं दैट हैव बीन रिकॉर्डेड हैविंग सेक्स विद 8 मेल्स इन केस ऑफ 15 मिनट्स, तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो फीमेल चिंपैंजी होती हैं वो कम से कम 8 मेल के साथ सेक्स जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है पॉलीगाइनेंड्री में क्या होगा कि जो भी फीमेल्स हैं वो मल्टीपल या सेवरल मेल के साथ क्या करती हैं, कॉपुलेशन या सेक्स जो है वो क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। इसी तरह से पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी का मतलब क्या है, मेल जो है वो एक होगा और फीमेल जो है वो मल्टीपल रहेंगी। वन मेल दैट मेट विद मैनी फीमेल्स, जैसे कि लॉयन, सील, गोरिल्ला, बर्ड्स में इस तरह का सीक्वेंस देखा जाता है। एंड डोमिनेंट मेल एस्टेब्लिश दी हैरम, तो हैरम मेटिंग जो है वो पॉलीगाइनी में देखी जाती है। मेल फाइट फॉर द राइट टू द ब्रीड, और जो मेल हैं उनमें फाइट होती है, जो बेस्ट मेल है वो सेलेक्ट किया जाता है फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेल एलिफेंट सील है, फेरी वेरेंस है एंड अल्फा मेल एलिफेंट सील आपको नज़र आ रही है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगाइनी। आई रिपीट वंस अगेन कि पॉलीगाइनी में एक मेल होगा लेकिन मल्टीपल फीमेल्स जो हैं वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। इसी तरह से पॉलीएंड्री, अब पॉलीएंड्री में क्या होगा, फीमेल एक है लेकिन जो मेल हैं वो मल्टीपल रहेंगे और यहाँ पर जो फीमेल है वो कैसी होती है, ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। वन फीमेल मेट विद मैनी मेल्स बट मेल मेट विद ओनली वन फीमेल, फीमेल तो मल्टीपल मेल के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती है, मेटिंग कर सकती है, लेकिन जो मेल होता है वो एक उसी पर्टिकुलर फीमेल के साथ मेटिंग परफॉर्म करता है। इन बर्ड्स देयर आर टू टाइप्स, साइमल्टेनियस एंड साथ में सिक्वेंशियल। तो साइमल्टेनियस में क्या होगा, एग फर्टिलाइज फ्रॉम मैनी मेल स्पर्म्स, और सिक्वेंशियल में बात करें तो एग फर्टिलाइज बाय वन मेल फीमेल लीव्स मेल विद द एग एंड मेट अगेन, जैसे कि ईमू, रियाज, जैकान, और इसमें इस तरह का सीक्वेंस जो है वो देखा जाता है। ऑफन अकम्पनीड विद रोल रिवर्सल, मेल इनक्यूबेट द एग्स, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो केयर का काम किया जाता है वो ज़्यादातर कौन परफॉर्म करते हैं, मेल। मेल जो है वो पेरेंटल केयर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे इन केस ऑफ पॉलीएंड्री। इसी तरह से नेक्स्ट मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में। सर्वाइवरशिप कर्व जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको नज़र आ रही हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम देखेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम जो भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग है उसको हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीन तरह के कर्व जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये आपको कॉनवेक्स शेप का कर्व नज़र आ रहा है, ये आपको कॉनकेव
नज़र आ रहा है और ये आपको लिनियर नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सर्वाइवरशिप कर्व में टाइप वन कर्व होता है, टाइप टू होता है और साथ में टाइप थ्री होगा। तो जो टाइप वन है कन्वेक्स टाइप का है, ये ह्यूमन बींग में पाया जाता है। जो टाइप टू है ये बर्ड्स में पाया जाता है। और जो टाइप थ्री कर्व है कॉनकेव टाइप है, ये किस में पाया जाता है? ट्रीज के केस में, जैसा कि आप सबको पता है। अब रीज़न क्या है ये कर्व इस तरह से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई ह्यूमन बींग के केस में मैक्सिमम टाइम जब डेथ होती है तो अर्ली स्टेजेस में नहीं होती, लेटर स्टेजेस में डेथ जो है वो देखी जाती है। इसी तरह से अगर ट्रीज़ की हम बात करें तो जो भी डेथ होती है वो इनिशियल स्टेजेस में देखी जाती है और लेटर ऑन स्टेजेस में कुछ इस तरह का सीक्वेंस जो है वो नहीं देखा जाता है। इसी तरह से अगर मैं आगे बात करूं सर्वाइवरशिप कर्व की, तो टाइप वन में जैसे कि कॉन्वेक्स कर्व है, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूं, तो यहाँ पे लॉस जो है या डेथ जो है वो लेट होगी। जो भी हाई रेट ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व रहता है दैट इज थ्रू आउट द लाइफ होगा। और ज़्यादातर जो भी मैच्योरिटी पे ऑर्गेनिज्म है वो रीच करते हैं। जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज हैं उन आर सेलेक्टेड स्पीशीज में ये टाइप वन कर्व देखा जाता है। जैसे कि एलिफेंट्स हैं, ह्यूमन बींग हैं या एनिमल प्लांट्स हैं, उनमें टाइप वन कर्व और कॉन्वेक्स टाइप ऑफ कर्व जो है वो देखा जाएगा। सिंपल ध्यान रखें कि सेलेक्टेड स्पीशीज में टाइप वन या कॉन्वेक्स टाइप। टाइप टू की बात करें जो कि डायगोनल कर्व है, तो इसमें क्या होता है, ये इंटरमीडिएट टाइप है। टाइप वन और टाइप थ्री का जो इंटरमीडिएट टाइप है दैट इज द टाइप टू कर्व। और जो टाइप टू है इसमें डायगोनल कर्व होगा, कंटेंट लॉस होता है। एज के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। बर्ड्स, रोडेंट्स, हाइड्रा और पेरिनियल प्लांट्स में टाइप टू ग्राफ देखा जाता है। और जो टाइप थ्री ग्राफ है कॉनकेव टाइप है, उसमें आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेजेस में ही मैक्सिमम इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है, लो मॉर्टेलिटी है आफ्टर द मेच्योरिटी। और ज़्यादातर जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैं जैसे कि ऑस्टर की स्पीसीज हैं या स्मॉल फिशेज की हैं या फिर हमारे ट्रीज हैं, वो बताते हैं टाइप थ्री कर्व। तो के सेलेक्टेड स्पीशीज में टाइप वन होगा, आर सेलेक्टेड स्पीशीज में टाइप थ्री कर्व जो है वो देखा जाता है। सो दिस इज सर्वाइवरशिप कर्व। इसी तरह से सेमल पैरिटी और इटेरियो पैरिटी की हम बात करें, तो सेमल पैरिटी का मतलब क्या होता है? सेमल पैरिटी का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार मेटिंग करवाई जाएगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो सिमल पैरिटी में क्या होता है कि वन लार्ज रिप्रोडक्टिव एफर्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करे जाएंगे लेकिन ओनली वंस। जैसे कि ग्रास हॉपर है, मे फ्लाइज हैं, ऑक्टोपाई हैं या स्क्विड्स हैं या अगैब अमेरिकाना है जिसको कि आप सेंचुरी प्लांट बोलते हैं, ये मोनोकार्पिक है भाई, पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार क्या करेगा ये फर्टिलाइजेशन होती है। इटेरियोपेरिटी, और इटेरियोपेरिटी में क्या है, एक से ज़्यादा टाइम जो है वो फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन के एपिसोड्स परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल टाइम रिप्रोडक्शन कर सकता है और मल्टीपल टाइम ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन कर सकता है, ऐसे इंडिविजुअल को आप इटेरियोपेरेट्स इंडिविजुअल जो है वो बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरिनियल प्लांट्स हैं या फिर हमारे मैमल्स हैं, शार्क हैं, बर्ड्स जैसे कि गल्स और साथ में टर्न्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिमल पैरिटी का मतलब होता है कि एक बार लाइफ टाइम में क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी, और इटेरियो पैरिटी का मतलब होता है मैनी टाइम रिप्रोडक्शन जो है वो देखी जाती है। सो जो भी आपको इस वीडियो का पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।